चौहान जी, राजीव जी, हम लोग यहां पर नेतागिरी करने के लिए नहीं आए हैं। हम लोग अपनी लड़ाई को लड़ने के लिए आए हैं। और भाइयों, जैसे आप झुग्गियों में रहते हो वैसे मैं भी झुग्गियों में रहता हूं, और हम अपनी झुग्गी की लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग जंतर मंतर तक चल के आए हैं। आज झुग्गी की स्थिति यह है, जो हमारे पास राशन कार्ड, पहचान पत्र, आधार कार्ड, कहीं कहीं बिजली भी लगा हुआ है, और कहीं कहीं कितनी पहले से बस्ती में तो बिजली भी नहीं है, उसकी तो आवाज उठ ही रही है। सब कुछ हमारे पास है और वोट भी सरकार लेती है और बेवकूफ भी मुझे बनाती है, कितना सर्वे की बात है, और हम बेवकूफ बनते हैं। तो मैं ये जितने भी हमारे तमाम रेड़ी पटरी और झुग्गी झोपड़ी से लोग आए हैं, हमारे रेड़ी पटरी के प्रभारी सागर यादव जी हैं, रामधन तिवारी जी हैं, तमाम जितने लोग आए हुए हैं, ये लड़ाई बरसों से लड़ रहे हैं, और कोई यहां पर लीडरी नहीं है, मतलब अपना एक आवाम की आवाज है। जैसे आप उस झुग्गियों में रहते हो वैसे मैं भी रहता हूं, जैसे आप रेड़ी पे छोले भटूरे बेचते हो, सब्जी बेचते हो, वैसे मैं भी बेचता हूं, और मैं उसी में से हूं, मैं कोई नेता नहीं हूं। अपनी हक की लड़ाई के लिए आपको जगना पड़ेगा, और जगने के लिए जितनी भी बस्ती है, ये जंतर मंतर पर पहला कार्यक्रम है, आए दिन हर 3 महीने में कार्यक्रम होंगे, हर 3 महीने में होंगे, और हर बस्ती में हम लोग जाएंगे, हम लोग हर बस्ती में जाएंगे और हर लोगों से मिलेंगे और जागरूक करेंगे। बहुत लोग नाराज भी हो जाते हैं कि भाई कितना बार बस भरेंगे, अरे बस तो कांग्रेस और बीजेपी जो झाड़ू के लिए भरे थे, अब अपने लिए तो भर लो, अपने लिए बस भरो और पैसा भी खर्चा करो। तो मैं और जाहिरे कुछ नहीं कहता हूँ, पैसा भी आपको खर्च करना है, पैसा पवन जी के पास नहीं है, पैसा हम लोगों के पास भी है, पैसा भी आपको देना है, और आप अपने लड़ाई के लिए तैयार भी हो जाइए, आपको लड़ना भी है अपने हक की लड़ाई, और किसी और पार्टी के झांसे में नहीं आकर के बेवकूफ मत बन जाइए, मैं यही कहूंगा। जो स्थिति है आज, मोदी जी कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन बेटी क्या, हमारी बेटी स्कूल जाएगी और हम रिक्शा चलाने के लिए मार्केट में जाएंगे, और हमारी बीवी कोठी में काम करने के लिए पत्नी जाएगी, और जब हमारी बेटी आएगी स्कूल से अपने घर पर, तो उसके घर पे बुलडोजर चलता रहेगा, और जब बुलडोजर चलता रहेगा तो बेटी क्या बचेगी, सड़क पे, जब घर ही नहीं रहेगा तो बेटी सड़क पे नहीं बचेगी। तो इसलिए बहुत दुख की बात है, मुझे कहना पड़ता है इनके झांसे में नहीं आना है। और यहाँ जितने आदमी आए हैं, इन्होंने तो सागर भाई ने बोला ना, जो मत्था से घी निकलता है, हम आपको बोल रहे हैं और यही बोलते हैं, आप 24 कैरेट सोना हो, सोना, यही 500 से 50,000 होंगे और 50,000 से 50 लाख होंगे। 763 सलम बस्ती है यहाँ पे, और 763 सलम बस्ती के अंदर में 30 लाख लोग रहते हैं, रेड़ी पटरी पे 5 लाख लोग रहते हैं, यमुना खादर के अंदर 5 लाख लोग रहते हैं, और इसी पे इनकी राजनीतिक चमकती है, और हमको ही कहते हैं आपको ध्वस्त कर देंगे, और हमको बेवकूफ बनाते हैं, और हम बेवकूफ बनते हुए चले जाते हैं। तो यही बात मैं कह के अपने अभी सभी लोगों से मेरा आग्रह है, अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का भाषण होगा, और उसके बाद हम लोग यहाँ से पैदल मार्च मोदी जी के संसद तक चलेंगे, आगे जहाँ तक मुझे चलना होगा चलेगी, प्रशासन जहाँ रोकना होगा रुक जाएंगे, प्रशासन जहाँ रोकेगी वहाँ रुकेंगे, लेकिन हम लोग उठ के संसद तक जरूर चलेंगे। इसके लिए आप लोग तैयार भी हो जाइए, और एक दो चीज मैं आपको एक नारा कहता हूँ, जो भू अध्यादेश लाना है, दिल्ली को बचाना है, भू अध्यादेश लाना है, आवाज दीजिए, भू अध्यादेश लाना है, झुग्गी झोपड़ी का हक लेके रहेंगे, रेड़ी पटरी का हक लेके रहेंगे, इंकलाब, लोक शक्ति पार्टी, जय हिंद।
Thank you.